अगर आप अपने कमर दर्द को समझेंगे तो इससे आप बचने का उपाय भी समझ पाएंगे। कमर दर्द के टाइप्स या प्रकार को समझना इसीलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि इसी के ऊपर इसका ट्रीटमेंट या इसका उपचार निर्भर करता है। अगर आप भी कमर दर्द के शिकार हैं या फिर आप कमर दर्द से परेशान हैं तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें क्योंकि इससे आपको अपने कमर दर्द को समझने में बहुत मदद मिलेगी। हाय, मैं हूँ डॉक्टर सुनीत, आपका अपना फिजियोथेरेपिस्ट, और वेलकम है आपका हमारे चैनल में। जरा आप याद करने की कोशिश करिए कि आपका कमर दर्द कैसे शुरू हुआ था। चलिए मैं आपको 5 सेकंड का वक्त देता हूँ। आप इन 5 सेकंड में याद करने की कोशिश करिए कि आपका कमर दर्द कब शुरू हुआ था, ये कैसे शुरू हुआ था, अचानक ही शुरू हुआ था, क्या ये किसी झटका लगने से शुरू हुआ था, भारी सामान उठाते हुए या झुकते समय, कैसे शुरू हुआ था, याद करने की कोशिश करिए। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। कुछ याद आया दोस्तों? चलिए, अगर आपने याद कर लिया तो बहुत अच्छा, अगर आपको याद नहीं भी आया तो भी चलेगा क्योंकि इसी के ऊपर हमारे टाइप्स ऑफ बैक पेन निर्भर करता है। तो बिना देरी करें चलिए शुरू करते व्हाट हैं। आर व्हाट आर द द टाइप्स ऑफ बैक पेन? कमर दर्द को मोटे तौर पे हम दो प्रकार में समझ सकते हैं। पहला है लोकलाइज्ड बैक पेन और दूसरा है बैक पेन विथ रेडिएशन टू लोअर लिम्ब। लोकलाइज्ड बैक पेन, लोकलाइज्ड बैक पेन यानी कमर दर्द कमर के इर्द गिर्द ही रहता है, उसी के आसपास ही रहता है। यह दर्द काफ़ी पुराना होता है और यह समय के साथ धीरे 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 डेवलप होता है। यह गलत पोस्चर में सोने से, बैठने से या काम करने से धीरे धीरे डेवलप होता है। यह कई बार आपके प्रोफेशन या व्यवसाय से भी जुड़ा होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई एक ड्राइवर है जिसे लंबे घंटे तक एक ही पोजीशन में बैठ के गाड़ी चलाना होता है, उन्हें ये कमर दर्द हो सकता है। लोकलाइज्ड बैक पेन कई बार अचानक भी शुरू हो जाता है, जैसे कमर में अकड़न, या इसे हम मसल स्पाज़म भी कहते हैं। ये आमतौर पे ठंड के मौसम में या बारिश के मौसम में होता है, ये ठंड की वजह से कमर में अकड़न आ जाती है। तो हमारा दूसरा टाइप है बैक पेन विथ रेडिएशन टू लोअर लिम्ब या लोअर लेग। इस प्रकार के दर्द में आपके कमर में तो दर्द होता ही है, रहता ही है, मगर इसके साथ साथ यह दर्द आपके पैरों में भी जाता है। यह दर्द आमतौर पर अचानक ही शुरू होता है। जैसे ये इनके कई सारे कारण हैं, जैसे आप कोई भारी सामान उठा रहे हो उस समय हो जाए, या आप गलत तरीके से बैंड हुए हो, आप गाड़ी में बैठे हों और आपको जर्क लग गया हो, ये सब इनके वजह होते हैं। इसमें होता ये है कि हमारे जो रीढ़ की हड्डियों में एक डिस्क होता है, वो डिस्क अपने जगह से खिसक जाने से होता है। इसे हम प्रोलैप्स इंटरवर्टेब्रल डिस्क के नाम से भी जानते हैं या डिस्क हर्निया के भी नाम से जानते हैं। यह डिस्क के अपने जगह से खिसक जाने से क्या होता है कि यह कमर से एक नस जो निकल रहा होता है उसे वो दबा देता है। इस नस को हम सियाटिका नस या सियाटिका नर्व कहते हैं। यह नस कमर से शुरू होता है और ये आपके पैरों में, पीछे की तरफ से पैरों में जाता है। जब ये डिस्क अपनी जगह से खिसक जाता है तो इस नर्व में दबाव या प्रेशर क्रिएट करता है, जिससे कि जहाँ जहाँ ये नस जा रहा है वहाँ वहाँ ये दर्द आपको महसूस होता है। आमतौर पे इस प्रकार के कमर दर्द के शिकार लोग अपने पैरों के पीछे में खिंचाव का कंप्लेन करते हैं। कुछ तो ऐसा कंप्लेन करते हैं जैसा मानो इलेक्ट्रिक करंट सा महसूस हो रहा हो, झिमझिम सा महसूस हो रहा हो। वे अपने तलवों में झिमझिम का शिकायत करते हैं। कई केसेस में मैंने देखा है कि वे अपने तलवों में सूनापन या कुछ भी महसूस ना होने का कंप्लेन करते हैं। देखिए दोस्तों, दोनों ही प्रकार के कमर दर्द अपने आप में एक गंभीर समस्या है, मगर दोनों से आप बच सकते हैं, दोनों का उपाय संभव है।
अगले कुछ वीडियो में हम इसी पे चर्चा करेंगे कि हम इससे कैसे बच सकते हैं, कैसे इसका उपचार किया जाता है। अगर आपने हमारे चैनल्स को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, आप बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि इस नए वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो अंत करता हूं। धन्यवाद।